हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से होली मनाएं। होली मनाने के बाद जब नेक्स्ट वीक मार्केट्स ओपन होगा तो ऐसा लगता है मार्केट्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। जो इस हफ्ते में करेक्शन देखने को मिली उसका एक ट्रेलर हमें फ्राइडे को देखने को मिला, जिसमें मार्केट्स में लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का रिकवरी आया था निफ्टी के अंदर। नाउ व्हेन इट कम्स टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑफ निफ्टी, आई थिंक द इमीडिएट सपोर्ट फॉर निफ्टी इज प्लेस्ड एट अराउंड 14,250 14,300 लेवल्स। These are the support levels for Nifty. At the same time, the resistance for Nifty is placed at around 14,600 levels. Once when Nifty is able to break 14,600 on closing basis, we can see Nifty headed for 14,800 and 14,900 levels. That would be the second resistance and final resistance for Nifty, 14,900. A closing above 14,900 will take Nifty to 15,100 and 15,200 levels. The way Nifty is showing recovery and the way we have seen SGX Nifty has shown the recovery on Friday's session, it seems that the Tuesday opening is going to be on higher side and we will see positive opening. Once when the resistance levels are taken away, we can see a sharp short covering move and a good upside move in index. So I think Nifty is again headed higher for the targets of 14,800 and 14,900 levels. 14,800, 14,900 के लिए निफ्टी में अगले हफ्ते के लिए तैयारी करें। वो लेवल्स टूटते हैं तो रैली और एक्सटेंड होगी। और वॉलिटिलिटी जो हमको देखने को मिल रही है, ऐसी की ऐसी वॉलिटिलिटी आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगी, तो आप लोग को कॉशियसली ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है और टाइमिंग के साथ ट्रेड लेना है। व्हेन इट कम्स टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 33,300 33,300 लेवल्स। द सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी इज प्लेस्ड एट अराउंड 32,500 और 33,000 32,500 एंड 33,000 के आसपास का बैंक निफ्टी का नीचे में सपोर्ट है। ऊपर में जैसे ही 33,500 का लेवल ऊपर में क्लोज क्रॉस करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो 34,000 से लेकर 34,500 तक के लेवल हमको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीक में देयर आर ओनली 3 ट्रेडिंग डेज, मंडे और फ्राइडे हॉलीडे है, सो 3 ट्रेडिंग डेज है तो वॉलिटिलिटी रहेगी, साथ साथ ऑप्शंस में प्रीमियम भी श्रिंक होगा बिकॉज डेज कम है। बट ओवरऑल बायस मेरे को लगता है एक बार पॉजिटिव रख के ही चलना चाहिए, उसी में फायदा है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल्स नोट करें 32,500 और 33,000। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 33,500 33,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो पहला टारगेट बनेगा 34,000 और दूसरा टारगेट बनेगा 34,500। जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में, ये कंटिन्यू होनी चाहिए और 34,000 से लेकर 34,500 तक के लेवल अगले हफ्ते में बैंक निफ्टी में देखने को मिलने चाहिए। ये तो हुआ इंडेक्स स्पेसिफिक बात। अब अगर बैंक निफ्टी में मूव आएगा तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में ऊपर का ही मूव आएगा, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में नजर रखें, जिसमें मुझे दिग्गज एचडीएफसी अच्छा लग रहा है। एचडीएफसी के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस मुझे चार्ट पे अच्छा लग रहा है, उस पर आप लोग क्लोजली वॉच रखें, वो आने वाले दिनों में एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ फार्मा स्टॉक्स में धीरे धीरे करके अपसाइड मूव आ रहा है, तो फार्मा एफएमसीजी इन दोनों ही सेक्टर पे ध्यान रखें, इनके अंदर भी धीरे धीरे करके एक अच्छा अपसाइड मूव बिल्डअप हो रहा है और एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम सबसे बढ़िया मुझे लगता है मेटल सेक्टर, पूरा मेटल सेक्टर मजबूत है। इस पूरे हफ्ते की गिरावट में मेटल सेक्टर ने कुछ खास रिएक्शन दिया नहीं और रिकवरी आने पर मेटल सेक्टर में सारे स्टॉक्स ने हाई मारे हैं। तो नेक्स्ट वीक भी ध्यान रखें, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, सेल, नेल्को, जिंदल स्टील, ये सब स्टॉक्स मुझे लगते हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाएंगे और मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्ते पूरे मेटल सेक्टर के लिए मजबूती करेंगे। तो इस तरह से आप लोग क्लोजली वॉच रखें सेक्टर के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, और इंडेक्स के लेवल्स मैंने आप लोग के साथ शेयर कर ही दिए। और भी इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप लोग की क्वेरीज होती है तो आप लोग हमसे टच में रह सकते हैं। इन द मीन टाइम डू फॉलो अवर रिसर्च प्रॉपरली, इफ यू ट्रेड विद प्रॉपर स्टॉप लॉस यू आर श्योरली गोइंग टू मेक मनी। हमारे कॉल्स रेगुलरली हमारे जीफी ऐप पे भी अपडेटेड होते हैं और सोशल मीडिया पे भी हम अच्छे से एक्टिव है, तो आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। वेल, आज के पॉडकास्ट में इतना ही, शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं आज का पॉडकास्ट बिकॉज हॉलीडे है, वीकेंड है और होली है, तो फैमिली के साथ एंजॉय करना है, तो ज्यादा नहीं सुनना है, बस थोड़ा सा ही सुनना है। उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लाइव आएंगे, तब आपको हम डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।